हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्पिता 262 चैनल में सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन करी बना के दिखाऊंगी। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से धो के मैंने रख दी है और मैं इसमें अभी नमक और हल्दी लगा के इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। ये देखिए, उसके बाद कढ़ाई पे मेरा तेल गरम हो चुका है। फिर मैं इसमें इस तरह का बारीक कटा हुआ यहाँ पे ऑनियन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसमें दिया मैंने छोटे इलायच और एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी, और मैंने दिया है एक तेज़पत्ता और कुछ काली मिर्च। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैं दूँगी कटा हुआ बारीक ऑनियन। ऑनियन को जल्दी से पकने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक जल्दी ऑनियन को पकाने में हेल्प करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक, ये देखिए मेरा जो है ऑनियन थोड़ा सा गोल्डन होने ब्राउन होना शुरू हो गया। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 2 ग्रीन चिली और अदरक पेस्ट। अदरक के साथ मैंने 2 ग्रीन चिली को भी पेस्ट किया है यहाँ पर। फिर मैंने अभी दिया है लहसुन गार्लिक पेस्ट। मैं इस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर को ऐड करने के बाद फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर अभी मैंने दिया इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इन सब को मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। जब तक मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए, मसाला जलने के चांसेस है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब पानी को देने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक धीमी आंच में हल्की हल्की करके, जब तक तेल बाहर आना शुरू ना हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। बीच बीच में मैं हिलाती रहूँगी। ये देखिए थोड़ा सा इसमें आना शुरू हो गया है, फिर मैं इसमें तेल बाहर आना शुरू हो गया है, फिर मैं इसमें दूंगी जो मैरिनेट करके रखी हूँ 10 मिनट तक उस चिकन। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी मसालों के साथ, ताकि ये खाने में बहुत टेस्ट आए, मसाला अच्छे से घुल मिल जाए। मैं इसमें नमक अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जब मैरिनेट किया तब मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नमक दिया है। बाद में मैं नमक को टेस्ट करके देखूँगी। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट तक मैं इसको धीमी आंच में देखूंगी, जब तक इसके से तेल बाहर आना शुरू ना हो जाए। ये देखिए हल्के हल्के तेल बाहर आना शुरू हो गया है। फिर मैं बीच बीच में इसको कवर कर करके मैं फिर इसको 2 मिनट तक फिर से पकाऊंगी। अब मेरा तेल बाहर आना शुरू हो रहा है, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं देखूँगी मेरा कितना है साइड में हिला के। पानी इसमें मैं और थोड़ा सा ऐड करूँगी, जब तक ये डूब ना जाए। थोड़ा सा इसका लेवल इसी तरह से रखूँगी मैं, क्योंकि चिकन बॉयल होने में टाइम लगता है। तो मैं अभी मैं कवर करके उसको 7 मिनट के लिए मैंने छोड़ दी है। ये देखिए पानी मेरा बहुत ज़्यादा सूख गया है। थोड़ा बहुत चिकन जो है अच्छे से धीरे धीरे बॉयल होना शुरू हो गया है, बॉयल हो रहा है मेरे। और कलर भी देखो, कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। इसमें मैंने हल्दी नहीं दिया, क्योंकि पहले मैरिनेट करते टाइम मैंने बहुत हल्दी 4 चम्मच के करीब मैंने दिया। ये देखिए मैंने अभी इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, क्योंकि मेरा चिकन जो है धीरे धीरे सूख रहा है मेरा चिकन, और मसाले अच्छे से पक रहे हैं मेरे धीरे धीरे। अब मैं कवर करके फिर 1-2 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी, जब तक इसका तेल बाहर आना शुरू ना हो जाए तब तक मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। ये देखिए मेरा जो चिकन है अच्छे से, मेरा बहुत अच्छे से नरम हो गया है, बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं कवर करके इसका जो है देख लूंगी। सब कुछ देखने के बाद देख रही हूँ कि मेरा जो है चिकन अच्छे से पक गया है और मसाला भी अच्छे से घुल मिल गया है। ये देखिए गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी कुछ देर बाद। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद मैं इसको एक अलग बाउल पे सर्व करने के लिए इसको मैं निकाल लूंगी।
मैंने गैस की फ्लेम को अभी बंद कर दूंगी। ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी हूँ। फिर अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बाउल में। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, और देखिए ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया होके बन चुका है। ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा घना भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, और कलर देखिए कितना अच्छा है। कलर सबसे बड़ी बात तो है। इस तरह से आपको रेसिपी बनाने के लिए तो आपको गैस की फ्लेम को एकदम कम रखना होगा। कम में ही आपको धीरे 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 बहुत देर तक टाइम लंबा लगता है। मेरा चिकन करी थोड़ा सा है, लेकिन टाइमिंग तो वही लग गया गाइस, लेकिन वही टाइमिंग के बाद गैस की फ्लेम को लो में रख के इसको काम चलाना है, तो ही इसका टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी होता है, अब अगर रोटी के साथ, चावल के साथ, लेकिन मैं कहूँगी चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ये चिकन करी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और कैसा हुआ मुझे कमेंट करना। आप लोग मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी चिकन करी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल की घंटी को प्रेस कर देना, और जल्दी जल्दी मेरा यूट्यूब परिवार बड़े करने में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना गाइस।